ऋषि सुनक के यूके के पीएम बनते ही भाई साहब भारत में सेलिब्रेशन का माहौल हो गया। कोई ट्विटर पे ट्रेंड चला रहा है, कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहा है, तिरंगा लहरा रहा, मजा आ गया। और ऐसा ही हर बार होता है। जब पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने थे तब भी ऐसा ही हुआ था, सुंदर पचई के नाम पे भी, नडेला के नाम पे ही। कोई भी भारतीय कहीं भी विश्व के कोने में जाके कुछ भी कर लेता है, हम भैया सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको दिखने में सुंदर लग रही है पर उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। आप गलत जगह फोकस कर रहे हैं और असली जगह से आपने दिमाग हटा लिया है। तो आज का पूरा वीडियो आपको याद दिलाने के लिए, झकझोरने के लिए, ये पूरा वीडियो आपके बिलीफ सिस्टम पे, आज तक जो आप जानते आए, देखते आए, सुनते आए, मानते आए, उसको एक झटका देने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि वो झटका सह सकते हैं तो वीडियो में आगे चलना। आपको लगता है नहीं राहुल जी हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, तो फिर चैनल अभी आप ये वीडियो यहीं पर ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो अगर आपको मेरे पे भरोसा है और आपका खुला दिमाग है, आप सुन के चाहना था कि राहुल जी चलो फैक्ट बताओ, लॉजिक बताओ, सुनते हैं समझते हैं फिर फैसला लेंगे, तो वीडियो में अंत तक चलना, ठीक है, हिम्मत तो आगे चलो। तो सबसे पहले तो वीडियो को वहां से चालू करते हैं जहां से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि चालू हो, कि नहीं सर भारतीयों की बढ़ाई बढ़ाई तो कर दो सर, चलो कर देते हैं, ठीक। रहीम जी ने कहा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर रहीम दास जी अभी होते और पूरे वर्ल्ड को देखते तो कहते रहीमन भारतीय राखिए, बिना भारतीय तब सून, क्योंकि भारतीय जहां भी जा रहे हैं झंडे तो गाड़ रहे हैं, ये बात तो आपकी सच है। और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल ऋषि सुनक है। इस चीज को एक बहुत प्यारे तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। 1947 में जब भारतीयों को सत्ता सौंपी गई थी तो एक बयान में विंस्टन चर्चिल क्या बोलते हैं, ये स्क्रीन पे देखो, मैं आपके साथ पढ़ता हूं, कि द पावर विल गो टू हैंड ऑफ रास्कल रोग फेयरबुटर, कि भैया जो पावर है रास्कल लोगों के हाथ में जाएगी, ये जो नंगे पांव चलने वाले हैं इनके हाथ में आएगी, ये इंडियन लीडर में कोई कैलिबर ही नहीं है, इनमें कोई स्टेटस ही नहीं है, इनके बस की नहीं है, ये कुछ भी चाह के भारत की सत्ता संभाल ही नहीं पाएंगे। हमसे इन्होंने ले तो लिया आजादी पर इनके बस की नहीं है, संभाल ही नहीं पाएंगे। ऐसा विंस्टन चर्चिल ने कहा था आजादी देते समय। अब उनको अगर वो जिंदा होते तो आज देखते कि उन्हीं के देश का प्रधानमंत्री एक इंडियन बना हुआ है, तो ये तो गर्व की बात है। अमेरिका की बात करो तो अमेरिका भी बड़ा उड़ता है, लेकिन भैया वहां पे वाइस प्रेसिडेंट भी कमला हैरिस है, वो भी एक भारतवंशी है। और आप बोलोगे राहुल जी एक कमला हैरिस से क्या होता है, हाँ सही बात है सर, एक कमला हैरिस से तो क्या होता है, लेकिन जो बाइडेन का जो करंट प्रशासन है उसमें 55 ऐसे पद हैं जहां पे भारतीय या भारतवंशी बैठे हुए हैं, 55। अच्छा भारत का जो ओरिजिनल पीएम है प्रधानमंत्री मोदी, इनकी अप्रूवल रेटिंग क्या होता है, विश्व में जितने भी प्रधानमंत्री है इनका चेक करते हैं कौन कितना ज्यादा पॉपुलर है, उसकी पॉपुलरिटी में भी नंबर 1 मोदी जी आए। मिंट की एक रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग है 75%, इतनी ज्यादा लोकप्रियता। सेकंड नंबर पे मेक्सिको आता है 67 के साथ। सो भैया यूएस की लोकप्रियता में भी भारत ने झंडे गाड़ दिए। 15 कंट्रीज में 200 से ज्यादा भारतवंशी ऐसे हैं जो टॉप अधिकारी हैं, उनमें से 60 ऐसे व्यक्ति हैं जो कैबिनेट रैंक के हैं। तो बात सिर्फ यूके की या अमेरिका की इनकी नहीं है, 20 देशों में झंडे गाड़ के आए भाई लोग। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है पता है, प्रविंद जगन्नाथ, ये इंडियन है भाई साहब। पृथ्वीराज सिंह रोपून, ये राष्ट्रपति हैं मॉरिशस के। तो ये तो बात हुई भैया पॉलिटिक्स की, कि जहां जहां हमने झंडे गाड़ रखे हैं। अब बात कर लें थोड़े से बिजनेस की। अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 में तीसरे नंबर पे भाई साहब हमारे अडानी जी बैठे हुए हैं। टॉप 10 में 8वें या 9वें नंबर पे हमारे मुकेश अंबानी जी भी आ जाते हैं कभी कभी। यूएसए के 25% स्टार्टअप, यूएस स्टार्टअप की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, उसके 25% स्टार्टअप इंडियन ओरिजिन के सीईओ चला रहे हैं। वहां की टॉप 58 कंपनियों के सीईओ कौन है, इंडियंस। और ये बात मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, निर्मला सीतारमण जी ने कही है। इनफैक्ट यूएस के 12% साइंटिस्ट भारतीय हैं, 38% डॉक्टर भारतीय हैं, नासा में 36% साइंटिस्ट इंडियन ही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे राहुल जी आपने वीडियो का टाइटल रखा नकली भारतीय और शुरुआत में बोला मैं आपके बिलीफ तोड़ दूंगा, आप तो यहाँ पे बढ़ाई किए जा रहे हो। अच्छी बात है सर मैं बढ़ाई कर रहा हूं, जहां बढ़ाई करनी है वहां पे करनी चाहिए, लेकिन एक मुद्दे की बात क्या है, आप इनको कहते हो भारतवंशी भारतवंशी। और ट्विटर पे ना लिंक्डइन पे एक थ्रेड चल रहा था, लिंक्डइन पे एक स्क्रीनशॉट चल रहा था, एडिटर साहब एक बार स्क्रीनशॉट पे दिखाओ ये, अब इसको गौर से देखिए सर। आप बोलते गूगल का सीईओ भारतीय है, हाँ सर भारतीय है, भारत से पढ़ लिख के गया, लेकिन अभी सिटीजनशिप कहां की ले रखी है, अमेरिका की। तो आपको लग रहा है कि भैया गूगल माइक्रोसॉफ्ट अबाउट ट्विटर ये वो सब इंडियन है, हाँ सर इंडियन है, लेकिन भैया इंडिया ये आते कितनी बार हैं,
इंडिया में ये पैदा हुए होंगे, इंडिया में शायद इनके माँ बाप पैदा हुए, ये पहुँच गए, लेकिन ये अब ये पूरी तरह से तन से मन से धन से अपने ब्लड से खून से अपनी बातों से ये अमेरिकन या अपनी अपनी कंट्रियाँ जिस जिस कंट्री में इनके झंडे गाड़े हैं उन्हीं के हैं, हमारे नहीं हैं। सुंदर पिचाई आपको निहाल करने यहाँ नहीं आएगा, आपको निहाल करेगा फकीर चंद कोहली। आप बोलोगे राहुल जी ये कौन सी बात कर दी, कौन है ये फकीर चंद कोहली, यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। आप बोलोगे राहुल जी फकीर चंद कोहली ये कौन है फकीर चंद कोहली, इसी बात पे मुझे खुन्नस है। आप सुंदर पिचाई को सेलिब्रेट करते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, करो सर अच्छी बात है, लेकिन आप फकीर चंद कोहली को क्यों नहीं जानते जिन्होंने TCS खड़ी की है। आप मुझे बता दो राहुल जी उसका ये है इंडिया की टॉप 10 कंपनी के सीईओ के नाम बताओ मुझे प्लीज, बताओ साहब HCL का कौन है, बताओ सर इंफोसिस के पीछे कौन था, मलिक का नाम याद है उसके सीईओ का नाम बताओ साहब किसने चलाया, डाबर कैसे खड़ी है बताएंगे, टाटा ग्रुप की कंपनियों के बारे में कुछ हवा है, अंबानी ग्रुप में क्या क्या उन्होंने झंडे गाड़े आपको पता है, अडानी ग्रुप के बारे में पता है, समस्या क्या है इंडिया ने इंडिया के बाहर जाके कुछ किया तो झंडा लेके घूमेंगे अच्छी बात है, इंडिया जो इंडिया में कर रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे उनके टावर उखाड़ देंगे, उनको गालियां बकलेंगे कि यार ये तो ऐसा है ये तो वैसा है। देखो जहां गलत है जहां प्रॉब्लम लगती है वहां कहिए, पर जनरलाइज तो मत करो। अंबानी से बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, लेकिन सर अगर अंबानी ना होता, अंबानी जियो लेके नहीं आता ना, वो दिन याद कर लो 300 रुपए देते थे 1 GB डेटा के, और भाई साहब एक इंटरनेट बंदी रखते थे। अगर जियो ना होता ना सर जी तो स्विगी भी नहीं होता, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करते, इतना डेटा था क्या आपके पास, यूट्यूब पे वीडियो देखने का टाइम था क्या आपके पास, गाना सुनने में तो डर लगता था आपको। सर टाटा ग्रुप के 7.5 लाख एम्प्लॉई हैं, थर्ड नंबर का भारत में सबसे ज्यादा जॉब देने वाला है, सबसे पहले नंबर पे आती है भारतीय आर्मी सबसे ज्यादा नौकरी देती है, उसके बाद रेलवे नौकरी देती है, और तीसरे नंबर में टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। L&T 3,38,000 लोगों को नौकरी L&T देता है, इंफोसिस 2,60,000 लोगों को, महिंद्रा 2,60,000 को, रिलायंस 2,36,000 को, विप्रो 2,10,000 को, HCL 1,67,000 को, ऐसे न जाने कितने ग्रुप है सर। ये टॉप 10 टॉप 20 ग्रुप मिला के ये भारत को रोजगार दे रहे हैं, ये भारत में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, ये भारत की GDP बढ़ा रहे हैं, ये टैक्स देके इंफ्रा बढ़ा रहे हैं, ये लोग चैरिटी कर रहे हैं। आपको न तो इनके नाम पते पता है, न कभी इनके नाम का आपने स्टेटस लगाया, न कभी आपने इनके इंटरव्यू सुने। आपको क्या लगता है घर का जोगी जोगना पर गांव का सिद्ध, या कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इनकी आपने वैल्यू नहीं करेगी, मौका मिलते ही अरे भारतीय बिजनेसमैन तो ऐसे होते हैं। सर जी ये कैसे होते हैं आपको बताऊं, आपने ऋषि सुनक की बात की, ऋषि सुनक देखो भारतीय को प्राउड फील कराया, अच्छी बात की, बहुत अच्छा किया, लेकिन सर ऋषि सुनक तो भारतीय है ही नहीं, वो थोड़ी भारत में पैदा हुए हैं, वो तो इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, उनके माता पिता वो भी वहां पे पैदा नहीं हुए, उनके माता पिता भी भैया केन्या से गए वहां पे, सो अल्टीमेटली भैया वो कहां से भारतीय रहे। और जब भारत की इंटरेस्ट की बात आएगी आप मुझे बताइए उनकी टॉप प्रायोरिटी इंग्लैंड को आगे बढ़ाना होगी या भारत को आगे बढ़ाना की। अगर इकोनॉमी की लड़ाई हो रही है कि भैया पांचवें नंबर में भारत है और यूके तैयारी कर रहा है, तो वो भारत को सोचेंगे नहीं अपने देश आगे बढ़ने दे, या खुद आगे बढ़ने की सोचेंगे। कमला हैरिस की आप बात करते हो, सर कमला हैरिस भारतवंशी, सर जी वो भारत को उसको याद नहीं है, जब पॉलिटिक्स की बात आई लगा इंडियन का वोट मिलेगा तब उसको याद आया, 370 का जब मुद्दा था ना, हमारा इंटरनल मुद्दा है, उस पर कमला हैरिस ने बयान दिया कि नहीं यार कश्मीरियों के साथ गलत हो रहा है, बोले भैया मैडम अपना काम करो यार, जब तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम आते नहीं हो बयानबाजी करने में आगे आते हो, और अगर ये प्रेसिडेंट बन भी जाएगी क्या लगता है कि भारत को सपोर्ट करने लग जाएगी। अभी जो बाइडन ने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं आगे और भी देंगे, और कमला हैरिस उनकी पार्टी की है वो कुछ कर भी नहीं रही, तो आप कहने का मतलब ये मत समझो कि वो भारतवंशी है तो भारत के लिए कर गुजर जाएंगे। सुंदर पिचाई है उनके बयान देख लो कौन सा ऐसा है कि भारत के लिए, उन्होंने कहा भारत के आदमी को तनख्वाह ज्यादा दे देते हैं, भारत में एक्सपेंशन कर देते हैं, भारत में दान कर देते हैं, क्या कर रहे हो भारत के लिए मुझे एक बार बताओगे समझाओगे। भारत में गवर्नमेंट 1-2% लोगों को रोजगार दे पा रही है, 6-8% को प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, और 92% को रोजगार कौन दे रहा है, छोटे मंझली व्यापारी, ये जो किराने की दुकान पे आदमी लगे हुए हैं, ये जो चक्की की दुकान पे, ये जो फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, 92% रोजगार तो इन्होंने दिया है, इनकी कोई कदर नहीं है, व्यापारी तो भैया चोर है। इंडियन आदमी तो ऐसा होता है, इंडियन आदमी तो वैसा होता है, हमारे घर में भैया सुंदर पिचाई का पोस्टर लगाएंगे, सत्या नेडेला की DP लगाएंगे, ऋषि सुनक के गाने गाएंगे, और फकीर चंद कोहली क्या है हमें पता ही नहीं है। महिंद्रा, चलो महिंद्रा की गाड़ियां आती है, उसके अलावा महिंद्रा क्या क्या करता है बताएंगे, आनंद महिंद्रा जी का एम्पायर के बारे में मुझे बताओ क्या करते हैं वो, बिरला जी के बारे में बताओ क्या करते हैं वो,
भारतीय है ना, तुम्हारे यहीं से ही है, पीढ़ियों से है, इनके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। सुंदर पिचाई का तुम्हें यही पता है कि सुबह इतने बजे उठता है, फिर इस ब्रश से करता है, फिर ये खाता है, ये पीता है। ये दुर्भावना क्यों कर रखी है आपने, ये बात समझाओ मुझे। क्या इनका सम्मान ना करे? नहीं सर, करूं। इंस्पिरेशन हर जगह से होना चाहिए। कोई भी आदमी कहीं पे भी अच्छा करे, इंस्पायर होना अच्छी बात है, पर घर के आदमी को इग्नोर क्यों करते हो? ये समय है सर अपने हीरो बदलने का। आपके हीरो कौन है? आपके हीरो कौन है? और भाई साहब हमें तो विराट कोहली पसंद है। अच्छी बात है सर, वो हीरो है, लेकिन वो क्रिकेट में है, वो अपना काम कर रहा है, अपने ऐड कर रहा है, अपने पैसे कमा रहा है, उनके छक्के से आप नहीं कमा रहे। कोई शाहरुख खान के नाचने से आपके घर में कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो सेलिब्रिटी हैं, जो स्टार्टअप फाउंड कर रहे हैं, ये जो बिजनेस चला रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ये इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, ये भैया जीडीपी बढ़ा रहे हैं, ये भैया टैक्स दे रहे हैं, ये इंफ्रा बढ़ा रहे हैं, ये रोजगार दे रहे हैं, ये भारत को सम्मान दे रहे हैं, और इनके पैसा खर्च करने से हमारी और आपकी ग्रोथ होती है। तो प्लीज अपने हीरो बदलिए। एक बात मान के चलना, दो ही व्यक्ति हैं जो देश बदल सकते हैं, या तो कोई नेता देश बदलेगा क्योंकि उसके हाथ में है नीतियां बनाना, और दूसरा एक व्यापारी बदलेगा क्योंकि वो चीजों को क्रिएट कर सकता है। तो आपके हीरो इन दोनों में से कोई एक होंगे ना, तब जाके आपका काम चलेगा। इसी वीडियो के साथ में एक नई सीरीज की घोषणा कर रहा हूं, लेकिन वो सीरीज में कब लाऊंगा और कितने समय तक चलेगी वो आपके प्यार पे डिपेंड करता है, आपके सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करता है। मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं, इंडियन हीरोज, जिसमें मैं इंडिया की कंपनीज के बारे में बात करूंगा। मैं महिंद्रा के बारे में बात करूंगा, मैं टाटा के बारे में बात करूंगा, मैं टाटा की तीन पीढ़ियों के बारे में बात करूंगा, रिलायंस के बारे में बात करूंगा, धीरूभाई अंबानी की बात करूंगा, मुकेश अंबानी की बात करूंगा, अडानी ग्रुप की बात करूंगा, महिंद्रा ग्रुप की बात करूंगा, उन सभी लोगों को जो लाइमलाइट से बाहर है ना, उनको मैं लेके आऊंगा। लेकिन समस्या क्या है कि जब राहुल मालोदिया की वीडियो बनाएगा महिंद्रा पे, तो यूट्यूब पे 10-20 हजार व्यू आएंगे, और अगर मैं हम बना दी भाई साहब नडेला पे, तो भाई साहब 2 लाख व्यू आएंगे। तो एज ए क्रिएटर लगता है कि नहीं यार, लोगों का इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मुझे एक बार कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके बताओ कि नहीं भाई साहब आप ये सीरीज लाओ, हम देखेंगे। तो अगर आप देखने को तैयार हो ना, तो मैं लाने को तैयार हूं। डन। सो कमेंट में देख के कितने कमेंट आते हैं, कितने लाइक आते हैं, कितना शेयर होता है, उस पर तय होगा ये सीरीज कब आनी। देखो, सीरीज आज नहीं तो कल आनी तो है, ये मैंने डिसाइड कर रखा है कि जिस दिन 1 मिलियन मेरा टच हो जाएगा, उस दिन दुनिया कुछ भी माने, मैं मेरी मर्जी का कंटेंट बनाऊंगा। अभी मेरी कोशिश है कि 1 मिलियन तक जाने के लिए जो कंटेंट चलेगा मैं वो बनाऊंगा। तो उस समय अगर आपको भारतवंशी पसंद है तो मैं उन पर ज्यादा कंटेंट बना रहा हूं, लेकिन 1 मिलियन के बाद भैया मेरी मर्जी चलेगी। मैं भारत के लिए और भारतीयों के लिए, और नकली भारतीयों के लिए नहीं, असली भारतीयों के लिए कंटेंट बनाऊंगा। तो प्लीज चैनल को एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ये बात तक कैसी लगी मुझे बताना। और अगर अच्छी लगी ना सर, एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के जितने भी फैमिली ग्रुप, सोशल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में उसको भेजना है, और भारत को याद दिलाना कि भैया जो है उस पर प्राउड फील हो, हवा में उछलना बंद करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।